नमस्कार, मैं गुनगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। संजय सिंह की गिरफ्तारी के अगले दिन एक साथ चार राज्यों में ईडी और आईटी के छापे, तीन दलों के नेता मंत्री निशाने पर। दिल्ली के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को कल गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन आज ईडी और इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने एक साथ चार राज्यों में छापे मारे हैं। ईडी ने नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रतिन घोष के यहां रेड की। बताया जाता है कि रतिन के कोलकाता आवास समेत 13 परिसरों पर छापेमारी की गई। रतिन घोष ममता बनर्जी की सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं। वहीं इनकम टैक्स की टीम ने तमिलनाडु में डीएम के सांसद एस जगत रक्षकन के परिसरों पर छापा मारा। इनकम टैक्स विभाग की ओर से 40 से ज्यादा स्थानों पर रेड की गई। इनमें एक और डिस्टिलर्स एंड ब्रूअर्स भी शामिल है। तेलंगाना में इनकम टैक्स की टीम ने बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ से संबंधित परिसरों पर छापा मारा। दूसरी ओर ईडी ने कर्नाटक में डीसीसी बैंक के चेयरमैन मंजुनाथ गौड़ा के शिवमोगा स्थित तीन परिसरों पर छापे मारे। वह एपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। यूपी के कानपुर में तेल कारोबारी के 36 ठिकानों पर आयकर टीम ने रेड की है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, झूठ बोल रहे थे आप सांसद संजय सिंह। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया सूत्रों के हवाले से कहा कि जो दस्तावेज संजय सिंह के घर से निकले हैं, वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं। ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएंगे जो आम आदमी पार्टी की चेन में बहुत बड़ा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि संजय सिंह झूठ बोल रहे थे कि उनका नाम शराब घोटाले की चार्जशीट में नहीं था। संजय सिंह बोल रहे थे कि उनके घर से कुछ नहीं निकला, लेकिन अगर उनके घर से कुछ भी नहीं निकलता तो ईडी उनको गिरफ्तार नहीं करती। संबित पात्रा ने कहा कि पहली बार पूरी दुनिया में ऐसा हुआ कि शराब की बोतलें ज्यादा बिकी लेकिन पैसा कमाया। शराब घोटाले के पीछे जो लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह झूठ बोल रहे थे। बीजेपी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और जिसने खाया है उससे निकलवा भी लेंगे। पीएम मोदी ने जोधपुर को दी 5,000 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में 5,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबी क्या है इसे मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी को जिया है। गरीबी खत्म करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान को मजबूत बनाना है इसलिए भाजपा को लाना है। पीएम मोदी ने कहा कि जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था लेकिन उनकी जमीनें नीलाम कर दी गई। राजस्थान में कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल सभी के जीवन का हिस्सा बन रहा है। 2 अक्टूबर को दिल्ली में खादी सेंटर से 1.5 करोड़ की बिक्री हुई। इससे लाखों गरीबों को फायदा हुआ, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा देश बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी नारे, धर्मशाला में बेंगलुरु तक कड़ी की गई सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जल शक्ति विभाग की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसमें वर्ल्ड कप को निशाना बनाने और कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला लेने की धमकी दी गई है। कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने स्प्रे पेंट से नारे लिखे थे। पुलिस ने दीवार को दोबारा पेंट करा दिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है, जिससे शरारती तत्वों की पहचान की जा सकेगी। खालिस्तानी नारे लिखने वालों की गिरफ्तारी के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। आज से शुरू हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होने हैं। वहीं धर्मशाला में प्रो खालिस्तानी नारों के बाद बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के साथ शहर भर के होटलों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिक्किम में लापता 22 जवानों का अब तक पता नहीं, तिस्ता नदी में सर्च जारी। सिक्किम में आई प्राकृतिक आपदा में अब तक 14 लोगों की जान गई है और 102 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 22 सैन्य कर्मी भी हैं जिनका अब तक पता नहीं चल सका है। वहीं एक सैनिक को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए तिस्ता नदी में पश्चिम बंगाल तक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस आपदा में 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सिक्किम के मंगन जिले की लोनाक झील के कुछ हिस्सों में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण तिस्ता नदी में बहुत तेजी से जलस्तर में वृद्धि हुई थी, जिससे मंगन, गंगटोक, पाकयोंग और नामची जिलों में भारी नुकसान हुआ है।
इस आपदा में 23 सैन्य कर्मी लापता हो गए थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया है जबकि अन्य सैनिकों का पता नहीं चल सका है। गंगटोक के उप जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र छेत्री ने बताया कि गोलीटार और सिंगताम क्षेत्र से 5 शव बरामद किए गए हैं। न्यूज क्लिक मामले के बीच अमेरिका का बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी मीडिया पर कब्जा करना चाहता था चीन। भारत में न्यूज क्लिक मामले के बीच अमेरिका ने कहा कि चीन पाकिस्तानी मीडिया पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने एक ऐसा तंत्र बनाया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में उसके दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके। चीन चाहता है कि पाकिस्तानी मीडिया पर उसकी मजबूत पकड़ बने। रूस के साथ मिलकर चीन सूचना क्षेत्र में काम कर रहा है। चीन अपने खिलाफ आई किसी भी रिपोर्ट का जवाब देने के लिए अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करता है। इन भागीदार देशों में पाकिस्तान प्रमुख है। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर मीडिया फोरम का इस्तेमाल उन खबरों से निपटने के लिए कर रहे हैं जिससे वे दुष्प्रचार और दुर्भावनापूर्ण सूचना मानते हैं। चीन और पाकिस्तान ने CPEC रैपिड रिस्पांस इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी बनाया है। महादेव बेटिंग स्कैम में ईडी के रडार पर 12 फिल्म स्टार, 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स पर भी नजर। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप घोटाले में ईडी की जांच का दायरा बढ़ रहा है। ईडी ने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को कल पेश होने के लिए समन जारी किया है और इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर के अलावा बॉलीवुड टॉलीवुड अभिनेताओं और खिलाड़ियों समेत 12 से ज्यादा लोग रडार पर हैं। बताया जाता है कि इन लोगों में सबसे अधिक पैसे रणबीर कपूर को मिले हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस ऐप के लिए प्रचार किया था। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप को प्रमोट करने वाले 100 से अधिक प्रभावशाली लोगों को भी ईडी तलब कर सकती है। महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने कथित तौर पर सट्टेबाजी से कमाए पैसों का इस्तेमाल इन मशहूर हस्तियों को भुगतान करने के लिए किया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।